हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको बार बार आने वाला वीडियो है अवेलेबल हो सके। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए, हम लोग यहाँ पिछला जो अपना वीडियो था वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर था, यानी हम यहाँ पढ़ रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के आगे के जो अपने रूल्स हैं उनके ऊपर आज हम यहां डिस्कस करेंगे। चलो देखिए, मैंने कहा यहां पर कोई भी एंड है, एंड से पहले कोई नाउन है, इसके बाद भी कोई नाउन है, लेकिन इस नाउन से ठीक पहले यदि ईच या एवरी हो और इस नाउन के पहले भी ईच या एवरी हो, तो ऐसी स्थिति में यहां पर जो आपकी वर्ब बनेगी वो वर्ब भी सिंगुलर रहेगी। बात को समझने की कोशिश करना। आपके यहां पर एंड दिया हुआ है, एंड से ठीक पहले कोई नाउन है, एंड के ठीक बाद कोई नाउन है, और इस नाउन से पहले ईच और एवरी है, और यहां इस नाउन से ठीक पहले भी ईच और एवरी है। ऐसी स्थिति में यहां पर जो आपकी वर्ब बनेगी वो सिंगुलर वर्ब ही बनेगी। एग्जाम्पल के लिए देखिए, मैंने यहां लिखा ईच पेन एंड ईच पेंसिल इज रेड। बात को समझने की कोशिश करना। Each pen and each pencil, देखिए and है, and से ठीक पहले ये noun, and से ठीक बाद ये noun, इस noun से ठीक पहले each और इस noun से ठीक पहले each। तो देखिए यहां पर अब आपका यहां पर जो verb बन रहा है वो verb भी क्या है, singular verb है। अपने यहां पर जो वर्ब बनी वो कौन सी वर्ब बनी, सिंगुलर वर्ब बनी। तो देखिए ऐसी स्थिति में हम यहां पर केवल सिंगुलर वर्ब को फॉलो करते हैं। ये था आपका आगे का रूल। इसके बाद में देखते हैं हम यहां पर नेक्स्ट जो अपना रूल है वो क्या है। देखिए यहां पर ईच दे दें, लेकिन ईच से ठीक पहले यदि कोई प्लूरल नाउन दे दें, प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, नाउन प्रोनाउन जो कोई भी है, ठीक है, ऐसी स्थिति में यहां पर ईच के बाद कोई भी आपका जो है नाउन हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में यहां पर बनने वाली जो वर्ब होगी वो वर्ब आपकी क्या रहेगी, प्लूरल वर्ब रहेगी। बात को समझने की कोशिश करना। यदि यहां पर जो प्लूरल वर्ब आपको दे रखी है, सॉरी जो ईच दे रखा है, वो ईच आपके यहां पर ठीक इससे पहले प्लूरल बनाएगा, और इसके बाद यदि आपको यहां पर किसी प्रकार की वर्ब के बारे में पूछता है तो ये वर्ब यहां पर प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे मैंने यहां पर लिखा है, जैसे यहां पर लिखा यू ईच हैव ए पेन, ठीक है, इस प्रकार हमारे यहां ईच के जो रूल है वो फॉलो होते है। देखिए नेक्स्ट, चलो देखिए अब आगे के रूल के बारे में बात करते हैं। समझने की कोशिश करना। किसी भी सेंटेंस में ईच ऑफ आइदर ऑफ या फिर नाइदर ऑफ है। समझने की कोशिश करना। किसी भी सेंटेंस में ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ यदि यह है और इसके बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन है। बात को समझना। प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो ऐसी स्थिति में यहां पर बनने वाली जो वर्ब होगी वो वर्ब भी आपकी सिंगुलर वर्ब ही होगी। समझने की कोशिश करना। ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर नो नाइदर ऑफ, इन सब के बाद यदि प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गया तो 100% आपकी जो वर्ब बनेगी वो सिंगुलर वर्ब ही बनेगी। एग्जाम्पल के लिए देखिए, एग्जाम्पल बनेगा यहां पर ईच ऑफ दीज
पेन, पेंस, ब्लू, यहां पर आपका बनेगा इज, और इज ही आपका आंसर ठीक रहेगा। देखना ईच ऑफ, ईच ऑफ था, इसके बाद में देखिए प्लूरल काउंटेबल नाउन है दीज टेन पेन्स, ठीक है, और यहां पर बनने वाली वर्ब आपकी क्या बनेगी, सिंगुलर वर्ब बनेगी। ये इस प्रकार सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये भी अपने आप में एक सबसे इंपॉर्टेंट रूलों में से एक है। प्लीज राइट इट। चलो देखिए आगे का अपना रूल बनेगा, यदि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में मैनी हो, ध्यान से समझना, यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में मैनी हो, उसके बाद में ए ग्रेट मैनी हो, उसके बाद में अपना होगा ए गुड मैनी हो, ऐसी स्थिति में सब्जेक्ट के रूप में होने पर मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी, ये तीनों में से कोई भी एक यदि सब्जेक्ट के रूप में है तो यहां पर आने वाली जो आपकी वर्ब बनेगी वो वर्ब भी प्लूरल वर्ब रहेगी, क्योंकि ये खुद भी क्या बनेगा उस समय प्लूरल बनेगा। सब्जेक्ट प्लूरल बनेगा तो वर्ब ऑलरेडी प्लूरल आएगी, ठीक है। एग्जांपल के लिए देखते हैं, यहां पर मैनी आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, बात को समझना, मैनी आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, कि क्लास से कई एब्सेंट है, अनुपस्थित है। तो देखना यहां पर जो मैनी है वो आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और जब ये मैनी सब्जेक्ट बन जाता है तो डेफिनेटली आपका यहां पर यह प्लूरल सब्जेक्ट बनता है, ठीक है। तो जब प्लूरल सब्जेक्ट बनेगा तो यहां पर आपकी वर्ब भी क्या बनेगी, प्लूरल बनेगी। इस तरीके से हम इस प्रकार के रूल को फॉलो करते हुए अपने सेंटेंस को सिलेक्ट करते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं, ठीक है। देखिए अपना आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, लेकिन देखिए यदि सब्जेक्ट के रूप में मैनी ए या मैनी एन हो, यहां पर ध्यान देना, लेकिन यदि सब्जेक्ट के रूप में मैनी ए या मैनी एन हो तो यह क्या करेगा, यहां पर जो वर्ब बनाएगा वो सिंगुलर वर्ब बनाएगा, क्योंकि यह सब्जेक्ट को भी क्या करेगा, सिंगुलर बनाएगा। समझने की कोशिश करना, देखिए मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी आने पर तो वह सब्जेक्ट सिंगुलर, सॉरी वह सब्जेक्ट प्लूरल बनेगा और प्लूरल ही वर्ब आएगी, लेकिन मैनी ए और मैनी एन होने पर यह सब्जेक्ट को सिंगुलर बनाता है और यहां पर जो वर्ब है वो भी आपकी कौन सी आएगी, सिंगुलर वर्ब ही आएगी। तो देखिए इसका एक एग्जाम्पल देते हैं, मैनी एन ऑरेंज वॉच रिटर्न, ठीक है, मैनी एन ऑरेंज वॉच रिटर्न, वॉच रिटर्न, ऐसे स्थिति पर आपका जो यहां पर सब्जेक्ट जो बन रहा है वो सिंगुलर बनेगा और वर्ब भी आपकी यहां पर क्या बनेगी, सिंगुलर वर्ब ही हम यहां पर बनाएंगे। देखिए ये भी अपना एक इंपॉर्टेंट रूल है। आगे का जो रूल है वो कुछ अपना इस तरीके से है, देखिए आगे का जो अपना रूल है, कॉन्सेप्ट है, वो ये रहेगा कि यदि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर ए नंबर ऑफ आ जाता है और इसके बाद में यहां पर कोई भी आपका प्लूरल जो नाउन, ये काउंटेबल नाउन है, वो आने पर यहां पर जो बनने वाली जो वर्ब होगी वो भी आपकी प्लूरल वर्ब ही होगी। बात को समझना,
ए नंबर ऑफ, और यहां पर प्लुरल काउंटेबल नाउन है, तो यहां इसी स्थिति में आपकी जो वर्ब बनेगी वो वर्ब भी प्लुरल वर्ब बनेगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखते हैं यहां इसको, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट वर प्रेजेंट। बात को समझना, यदि किसी भी सेंटेंस में ए नंबर ऑफ है और उसके बाद में प्लुरल काउंटेबल नाउन है, तो ऐसी स्थिति में आपके यहाँ जो वर्ब बनेगी वो प्लुरल वर्ब बनेगी, जैसा कि मैंने यहाँ पर बनाया। मैंने वोज नहीं लिखा यहाँ पर, मैंने लिखा वर्ब, क्योंकि ए नंबर ऑफ था और उसके बाद प्लुरल काउंटेबल नाउन है ही, तो यहाँ पर बनने वाली जो वर्ब होगी वो कौन सी बनेगी, आपके प्लुरल वर्ब बनेगी। ठीक है, उसके बाद में देखिए, इसी सेंटेंस को यदि मैं यू लिख देता हूं, द नंबर ऑफ, और फिर यहां पर आपकी कोई भी काउंटेबल नाउन है वो आती है, तो ऐसी स्थिति में यहां पर अब आपकी जो वर्ब बनेगी वो कौन सी बनेगी, सिंगुलर वर्ब बनेगी। यानी याद करने में इतना ध्यान रखे कि ए नंबर ऑफ आने पर तो वर्ब आपकी प्लुरल आएगी, ठीक है, और द नंबर ऑफ आने पर वर्ब आपकी क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट आपकी जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट था। आप लोगों ने यहां पर कॉन्सेप्ट को समझा, जाना, पहचाना, और आप लोगों को सब्जेक्ट का नॉलेज हुआ कि एक सब्जेक्ट कब सिंगुलर बनता है और किस स्थिति में वो प्लुरल बनता है। आज के लिए बस इतना ही, आगे वाली जो क्लास होगी उसमें हम इसके बारे में और भी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जय हिंद, नेक्स्ट।